सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 50। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई h, आधार कोण a और आधार ए बी दिया है। तो सबसे पहले हमें तीन चीजें इसमें दे रखी है। हमें एक दे रखा है आधार, तो आधार हम ले लेते हैं ए बी। आप देख सकते हैं ये हम आधार ले लेते हैं ए बी, और एक हमें दे रखा है इसमें ऊंचाई, तो हम ऊंचाई ले लेते हैं, ये हम ऊंचाई ले लेते हैं। ये कह रहा है कि इसका नाम है h, और एक हमें दे रखा है आधार कोण, तो हम आधार कोण भी ले लेते हैं, और ये हमारा आधार कोण है। देख सकते हैं ये आपका आधार कोण है, और मैं इसको बना देता हूं यहाँ पे। इस तरह से इसका नाम हम दे देते हैं a, जो इसने कहा है कि इसका नाम a होगा। अब हमने क्या करना है, जितनी आपकी ए बी रेखा है इतनी दूरी पे हमने यहाँ पे एक रेखा ले लेनी है ए बी। ये हमारा आधार रेखा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये मैं प्रकार खोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इतनी दूरी पे हमने यहाँ ऊपर थोड़ी रेखा ले लेनी है इससे, ये देखिए आप यहाँ पे यहाँ से हमने लगाई थी रेखा की दूरी नापी थी हमने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। आपने ध्यान रखना है जो हमें दी हुई चीज होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और जो हम कार्य जब करते हैं पूरा कार्य हम जब करना शुरू करते हैं तो उसमें हम ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, बड़े अक्षर में लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास जो एक कोण दिया हुआ है ए, हमने इतनी प्रकार खोलनी है जितने आपका कोण है, ये आप देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से देखिए इतने प्रकार मैंने खोल दी जितना आपके पास ये ए कोण है, और ये जो हमने है कोण बनाना है ए पॉइंट पे, यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट पे ए पॉइंट पे कोण बना दें इस तरह से। और अब हमने क्या देखना है, जितना ये बड़ा है प्रकार आपका कोण, ये देखिए ये इतना बड़ा हमारा कोण है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से इसको ऐसे काट देना, और यहाँ पे हमने अभी हल्की लाइन इस पर लगानी है जहाँ पे आपस में रेखाएं कट रही है, चापे आपस में कट रही है। यहाँ पे हम इसको डॉट ही नहीं लगाएंगे और ना ही हम इसको अभी डार्क लगाएंगे, सिर्फ हम इसको हल्की लाइन से दर्शाएंगे अभी इस तरह से, क्योंकि हमें पता नहीं है लास्ट तक कहाँ तक ऊपर जानी है लाइन हमारी। अब हमने क्या करना है, आपके पास एक ऊंचाई दी हुई है एच रेखा के बराबर, तो हमने इतनी प्रकार खोलनी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, ए से आपने चाप लगानी है इस तरह से एच ऊंचाई के बराबर यहाँ से, और बी से भी आपने चाप लगानी है इस तरह से, आप देख सकते हैं ये जो चापे आपने लगाई है इनके आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ये आपकी डी चाप होगी, ये आपकी ई चाप है, या जो आप इसके ऊपर लाइन लगाएंगे उसका नाम भी आप डी ई रख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं इस तरह से, हम इसको डॉटेड मिला देंगे, इस तरह से। आप चाहो तो चाप का नाम दे दो, नहीं तो आप यहाँ पे डी ई इस रेखा का नाम भी दे सकते हैं जो हमारे पास आ रही है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रश्न है वो ये है कि ये जो आपकी लाइन है ये इस लाइन को कहाँ काट रही है, यहाँ पर, तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी, और जो आपके पास ये लाइन एक्स्ट्रा है ऊपर को इसको हम यहाँ से अब मिटा देते हैं इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, सी जो पॉइंट आपका आ रहा है इस सी पॉइंट को आपने बी के साथ मिला देना है यहाँ से इस तरह से, और ये आपका इस तरह डार्क आ जाएगा। अब आपने इस रेखा को भी डार्क कर देना है यहाँ से, क्योंकि आपकी अब अंतर रेखा आ गई है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और आपकी जो ये रेखा है जो आपने पहले देखी इस रेखा को भी आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, और जो आपका ये कोण यहाँ बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये रेखाएं समानांतर है तो यहाँ पे भी
इतनी दूरी का कोण अगर बने यहाँ पे बनता है, यदि आप चाहो कि हम नाप लेते हैं तो हम यहाँ से इसको नाप के भी देख सकते हैं। यहाँ से हमने इतनी प्रकार खोल ली, आप देख सकते हैं ये आपने इतनी प्रकार खोल दिए। यहाँ से हम जो है वो चाप लगा देंगे, इसको से नापने की जरूरत नहीं है ना ही यहाँ इसको दर्शाने की जरूरत है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, और आप यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, बिल्कुल भी गलत ये नहीं है, बिल्कुल भी सही आ रहा है आपको यहाँ पे। और आप यहाँ लिख सकते हैं ये ए कोण है और ये भी आपका ए कोण है। इस तरह आपका बन के तैयार हो गया है। और ये प्रश्न आपका है 50 इस तरह से। अगला आपका है प्रश्न नंबर 51। एक त्रिभुज बनाओ जब ऊंचाई h, भुजा b और आधार a b दिया है। अब इसमें हमें भुजा दे रखी है, जबकि प्रश्न नंबर 50 में हमें एक कोण दे रखा था। तो हम ले लेते हैं जो जो हमें दिया है। सबसे पहले हम ऊंचाई हमें दी है तो हम ऊंचाई ही ले लेते हैं। पहले ऊंचाई हमें दे रखी है h, हम यहाँ पे ऊंचाई ले लेते हैं h के बराबर। आप चाहो तो थोड़ी लंबी ऊंचाई ज़्यादा भी ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि त्रिभुज है ये। इस तरह से हमने ऊंचाई ले ली है। अब हमें क्या दे रखा है इसमें, भुजा दे रखी है b, तो हम यहाँ पे भुजा ले लेते हैं b। ये हमने ले ली है भुजा, यहाँ पे b भुजा ले ली है हमने, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ हम लिख लेते हैं b। ये कह रहा है कि एक आधार दिया हुआ है ए भी, चलो भाई आधार भी ले लेते हैं ए भी। तो यहाँ पे हम एक आधार ले लेते हैं, ये हमने ले लिया आधार a और b। तो जितना आपका ये ए भी है इतनी हमने रेखा लेनी है आधार के लिए। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। तो आप प्रकार से भी नाप के ले सकते हैं, जैसे मैंने 50 प्रश्न नंबर 50 में आपको करवाया, और आप सीधा फुट्टे से भी नाप सकते हैं कितनी लंबी आपके पास लाइन आपने ले रखी है। तो ये हमने ली है इतनी हमारी ये जो रेखा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए और बी। वो हमने कैसे इसको हल करना है, अब आपके पास एक ऊंचाई दे रखी है, ये आप देख सकते हैं ये आपके पास ऊंचाई दी हुई है ये। तो आपने क्या करना है, ए पॉइंट पर प्रकार करके चाप लगा दो इस तरह से डॉटेड, बी पॉइंट पर प्रकार करके अब दूसरी चाप लगा दो इस तरह से, इस तरह से इन चापों को ऊपर से मिला दो और डॉटेड आपने मिलाना है। इस तरह से, और इस लाइन का हम नाम देते हैं डी और ई। अब आपके पास जो है एक भुजा दे रखी है बी, तो हम क्या करेंगे, जितनी आपकी ये बी भुजा है इतनी हम प्रकार खोल देते हैं, ये आप देख सकते हैं। और आपने क्या करना है, इस भुजा को ए से जो है ना काट देना है इस रेखा पर। ये देखिए ये दूरी पर हमने काट दिया, जितना आपका बी दिया होता, और जहाँ ये कट रहा है यहाँ पे पॉइंट आपका आ गया, यहाँ पे ये पॉइंट आपका आ गया सी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सी को ए के साथ हमने मिला देना है, और ये आपका डार्क लाइन आएगी क्योंकि ये आपकी आंसर रेखा है। तो इसको आप डार्क कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से आपने सी को बी के साथ भी मिला देना है इस तरह से, आपका बन गया। और आपके पास जो ए भी रेखा है इसको भी आप डार्क कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ, ये आपका है बी। अब आपने जो पहले कोण वाला बनाया था सिर्फ उसमें भी त्रिभुज दिया हुआ था, उसमें ऊंचाई दी हुई थी, ए बी रेखा दी हुई थी, उसमें भुजा नहीं दी थी, यहाँ पे कोण दिया था। तो मेथड वही है, उसमें भी हमने यहाँ पे कोण बनाया और रेखा लगा दी, फिर जितनी ऊंचाई यहाँ दो चापे लगा के मिला दिया, जहाँ मिल रहा है वहाँ से इधर को मिला दिया। इसमें भी वही मेथड है, यहाँ पर हमने ऊंचाई लेकर के इसके समानांतर रेखा काट दिए, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, जितनी बी रेखा है इतना यहाँ से, मतलब आधार तो हमने पहले लेना ही है ना ए बी के बराबर, तो यहाँ से हमने हमें भुजा देगी तो भुजा के बराबर जो है हमने प्रकार खोल करके जो समांतर रेखा इसके समांतर आई थी या ऊंचाई के बराबर जो आई थी उसको हमने यहाँ से काट दिया है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, प्रश्न नंबर है ये 51। तो इस तरह से आपने इसको हल करना है।